अब तक आपने सुना तो चांद स्कूल के रंग में पूरी तरह ढल चुकी थी। स्कूल और स्कूल के लोग उसे बड़े अपने से लगते थे। देखते ही देखते कुछ दिन बीते और फिर कुछ हफ्ते, और आ गया गर्मी का मौसम जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था। क्या कुछ होने वाला था इन गर्मियों की छुट्टियों में, आइए सुनते हैं। स्कूल का हर दिन तो चांद के लिए आश्चर्यों से भरा था। तो चांद को लगता कि स्कूल तो रात में भी खुलने चाहिए, इतना कुछ है देखने और सीखने को। स्कूल से आते ही उसकी कहानियां शुरू हो जाती। बारी बारी से चीनू, मम्मी और पापा को वो स्कूल के दिन भर की कहानियां सुनाया करती। धीरे धीरे पिछले स्कूल की यादें खत्म होती जा रही थी, पर एक चीज जो वो बिल्कुल नहीं भूली थी वो था उसके पुराने स्कूल का गीत। ऊंचा हो सर स्वाभिमान से, आगे बढ़े हम आसमान से। तो चांद जब देखो तब यही गीत गाया करती थी। इसके आगे के शब्द तो उसको याद भी नहीं थे, पर इन्हीं दो लाइनों को वो बार बार दोहराती रहती थी। तुमोए में उसने दूसरे बच्चों से पूछा, तुमोए का कोई गाना है क्या? बच्चों ने इनकार कर दिया, ऐसा तो कोई गाना नहीं था। बस फिर क्या था, तो चांद अपने पुराने स्कूल के गीत पर खूब इतराने लगी। दूसरे बच्चों को लगा तुमोए का गीत तो होना ही चाहिए। वे तुरंत भागे भागे हेडमास्टर जी के पास पहुंचे और उनसे गाना बनाने की गुजारिश की। हेडमास्टर जी मान गए। अगले दिन सभा में हेडमास्टर जी ने एक नई धुन बच्चों को सुनाई। धुन बेहद ही प्यारी थी, पर इसमें कोई भारी भरकम शब्द नहीं थे। तो चांद ने पूछा, बस इतना ही? हेडमास्टर जी मुस्कुरा दिए, हाँ इतना ही काफी है। तो चांद बोली, कुछ शब्द होते तो ज्यादा मजा आता, जैसे ऊंचा हो सर स्वाभिमान से, आगे बढ़े हम आसमान से। हेडमास्टर जी कुछ दुखी हो गए, पर नाराज नहीं हुए। तो चांद को लगा उसने बड़ी गलती कर दी, ऐसे सबके सामने हेडमास्टर जी को नहीं बोलना चाहिए था। हेडमास्टर जी को स्कूल से इतना प्यार था कि उसको शब्दों में जाहिर करना मुमकिन नहीं था। अब ये बात वो छोटे बच्चों को कैसे समझाए? तोमो स्कूल का ना तो पहले कोई गीत था ना अब बना। धीरे धीरे तो चैन भी गीत के बारे में सब भूल गई। गर्मी का मौसम आ चुका था। बंदर और गिलहरी दिन भर पेड़ पर बैठा करते थे और पंछी पानी की तलाश में दूर दूर घूमा करते थे। स्कूल के बच्चों में भी खलबली मची थी, गर्मी उनको थोड़ा परेशान करती थी। हेडमास्टर जी ने फैसला किया कि स्विमिंग पूल शुरू करने का वक्त आ गया है। ये कोई आयताकार स्विमिंग पूल नहीं था, मिट्टी से बना एक गड्ढा था। दूसरे मौसम में बच्चे इस गड्ढे में उतरकर खेला करते थे, अब इसे पानी से भरा जाना था। जैसे ही उसमें पानी भरा जाने लगा, बच्चे मस्ती में उछलने कूदने लगे, उनसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। हेडमास्टर जी ने कहा, पहले हम सब व्यायाम करेंगे। सभी बच्चे भागे भागे सभागार में गए। तो चांद ने देखा कि यहां किसी के पास तैरने की पोशाक नहीं थी, किसी को इसकी पड़ी भी नहीं थी। सब जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार कर भागे चले जा रहे थे। तो चांद ने भी ऐसा ही किया। तैराकी सिखाने के लिए हेडमास्टर जी के बड़े बेटे आए थे। उनका नाम तोमोए था, यानी स्कूल का नाम उन्हीं के नाम पर था। वो तैराकी और व्यायाम के विशेषज्ञ थे। उन्होंने थोड़ी देर बच्चों को खूब कसरत कराई और उसके बाद
मौका मिलते ही सभी बच्चों ने पानी में छलांग लगा दी। कैसा गजब का एहसास, कैसी गजब की खुशी, तो चांद ने सोचा। उसके आसपास सभी बच्चे हंसते खिलखिलाते चीखते चिल्लाते पानी में उछल कूद कर रहे थे। कोई किसी पर पानी फेंक रहा था तो कोई डुबकियां लगा रहा था। तोतो चांद ने अपने पांव जमा कर पहले देख लिया वो डूबेगी तो नहीं, और एक बार तसल्ली हो गई तो वो पानी के साथ बहने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तैर रही है या कहीं उड़ रही है। देखते ही देखते गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई और स्कूल से तोतो चांद की मां के नाम एक खत आया। मां ने खत पढ़ा, उसमें लिखा था कि स्कूल में एक शिविर लगने वाला था। शिविर का क्या मतलब होता है, तोतो चांद ने पूछा। मां को भी कुछ ठीक से समझ नहीं आया, कहीं आने जाने की बात तो नहीं लिखी थी। इसका मतलब स्कूल के आसपास ही बच्चे रात को रुकने वाले थे। उन्हें लगा शायद आसमान के नीचे हेडमास्टर जी ने कैंपिंग की कोई व्यवस्था कर रखी होगी। तोतो चांद को थोड़ा डर लग रहा था, पता नहीं इस कैंपिंग में क्या होने वाला था। शाम को सभी बच्चे स्कूल के सभागार में जमा हो गए। सामने खड़े हेडमास्टर जी सबसे बोले, मैं तुम सबको एक टेंट लगाना सिखाता हूं। इसके बाद वो हरे रंग का एक टेंट सबके सामने खींच तान कर लगाने लगे। हाँफते हाँफते उन्होंने अकेले ही रस्सियां खींची, लकड़ी के टुकड़े फंसाए और उसके बाद एक खूबसूरत टेंट सबके सामने खड़ा था। तो आओ, हेडमास्टर जी ने कहा, पूरे सभागार में तुम अपने अपने टेंट लगा लो। बच्चे कैंपिंग के नाम से बड़े खुश थे। टीचर की मदद से सबने अपने अपने टेंट लगा लिए। हर एक टेंट में 3 बच्चे सो सकते थे। अपने अपने टेंट लगाते ही बच्चे दूसरों के टेंट की छानबीन करने लगे। ताक झांक कर देख रहे थे किसके टेंट की कसावट ज्यादा है, किसका टेंट सबसे सुंदर रंग का है। आखिरकार जब दौड़ भाग थोड़ी खत्म हुई, हेडमास्टर जी ने टेंट के बीच में बैठकर उन सबको कहानियां सुनाना शुरू किया। देश विदेश की यात्राओं की लंबी लंबी कहानियां उनके पास थी। इंडोनेशिया से लेकर पर्शिया तक, चीन से लेकर रशिया तक, कहानियों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। हेडमास्टर जी की कहानी सभी बच्चे बड़े चाव से सुन रहे थे। बच्चों को खुश करना हेडमास्टर जी को खूब आता था। कुछ बच्चे अपने टेंट में ही दुबके हुए लेटे हुए थे तो कुछ बाहर बड़े बच्चों के गोद में लेटे थे। हेडमास्टर जी ने कहानी के बाद सभागार की बत्ती बुझा दी। सब बच्चे अपने अपने टेंट में चले गए। कहीं चुटकुलों की आवाज आ रही थी तो कहीं खेल या खींचतान की, कहीं कहीं थोड़ी बहुत मुठभेड़ भी हुई। आखिरकार पूरे सभागार में शांति छा गई। कैंप लगने के 2 दिन बाद आखिरकार वो समय आया जिसका तोतो चांद को बेसब्री से इंतजार था। वो अपने दोस्त यासुकी चांद से मिलने जा रही थी। इस बात की खबर ना तो तोतो चांद के माँ बाप को थी, ना ही यासुकी चांद के। ये योजना दोनों ने मिलकर बनाई थी। तोमोय में हर बच्चा एक एक पेड़ को अपना मानता था। तोतो चांद का पेड़ स्कूल के बाहरी हिस्से में था, एक बड़ा सा घना पेड़। तोतो चांद की ऊंचाई से लगभग 2 गुनी ऊंचाई पर एक मोटी टहनी थी जिस पर बैठकर झूले जैसा आनंद आता था। तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी में या स्कूल के बाद पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती थी। वहां से दूर तक देखना, ऊपर आकाश को और नीचे चलने वाली सड़क को उसे बेहद पसंद था। बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पूछना पड़ता था, माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? यासुकी चांद को पोलियो था, इसलिए वो किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और
कोई पेड़ भी उसका खुद का नहीं था, इसीलिए तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर बुलाया था। ये बात किसी बड़े को पता नहीं थी, क्योंकि अगर उनको पता होती तो वो जरूर डांटते। स्कूल की क्यारियों के पास यासुकी और तोतो चांद मिले। दोनों मिलते ही एक दूसरे को गले लग गए। आज दोनों बड़े ही उत्साहित और खुश थे। उनकी करामात की किसी को भनक भी नहीं थी। गर्मी के कारण आसपास सब सूना पड़ा था। तोतो चांद यासुकी को अपने पेड़ के पास ले गई और फिर भागते हुए चौकीदार के छप्पर के पास गई। उसने रात में ही ये सारी योजना बना ली थी। वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई वो लाई और पेड़ के तने के सहारे लगा दिया। फिर फुर्ती से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। फिर वो बोली, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चैन के हाथ और पैर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद ब खुद सीढ़ी चढ़ पाए। जैसे ही तोतो चांद को यह बात समझ में आई, वो कूद कर नीचे आ गई और यासुकी चांद को पीछे से धक्का लगाने लगी। पर तोतो थी छोटी और नाजुक, इससे ज्यादा वो क्या कर सकती थी। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चांद को समझ में आया कि यह काम इतना आसान नहीं है जितना उसे लग रहा था। पर अब क्या करे, ऐसे तो यासुकी का दिल टूट जाएगा। एक बार फिर उसको एक योजना सूझी और वो दौड़ती हुई चौकीदार के छप्पर में गई और आसपास हर चीज में खोजबीन करने लगी। आखिरकार उसे चार पैरों वाली एक सीढ़ी मिल गई। सीढ़ी उससे बहुत बड़ी थी और उसे घसीट कर लाने में तोतो चांद पसीने में तर बतर हो गई। आखिरकार वो सीढ़ी टहनी तक पहुंच गई। अब तुम डरना मत, तोतो चांद ने कहा, ये बिल्कुल नहीं डगमगाएगी। यासुकी चांद को भी डर के मारे पसीना आ रहा था। उसने एक नजर पेड़ पर डाली और दूसरी सीढ़ी पर और फिर चढ़ने के लिए बढ़ चला। तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। आखिरकार दोनों की मेहनत बेकार नहीं गई। तोतो चांद और यासुकी ऊपर तक पहुंच गए। वहां से तोतो चांद ने छलांग लगाई और सीधा पेड़ पर पहुंच गई। पर यासुकी चांद ऐसा नहीं कर सकता था। ये तो उन दोनों ने सोचा ही नहीं था कि सीढ़ी से आखिर पेड़ तक कैसे पहुंचेंगे। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तोतो चांद को रोना आ रहा था, पर उसे डर था कि अगर वो रोई तो यासुकी भी रोने लगेगा। जब और कुछ नहीं सूझा तो उसने यासुकी से कहा कि वो लेट जाए और तोतो उसे पकड़ कर खींचेगी। अगर यह दृश्य कोई बड़ा देख लेता तो डर के मारे चीख उठता। पर यासुकी को तोतो चांद पर पूरा भरोसा था और खुद तोतो चांद भी खतरा उठा रही थी। आखिरकार अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत लगाकर उसने यासुकी चांद को खींच लिया और दोनों पेड़ की टहनी पर जा बैठे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बड़ी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल गई। मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है, तोतो चांद ने कहा। यासुकी चांद थोड़ा झिझकता हुआ मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने तोतो से कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ा रहे थे। यासुकी ने बताया कि उसकी बहन अमरीका में है, वहां एक चीज होती है टेलीविजन, कहती है कि जापान में आ जाएगा तो हम घर में बैठे बैठे सूमो कुश्ती देख सकेंगे। टेलीविजन एक डब्बे की तरह होता है। तोतो चांद को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर इतने बड़े बड़े सूमो पहलवान एक डब्बे में कैसे घुस सकते हैं।
पर अगर ऐसी कोई चीज आ गई तो यासुकी चान के लिए तो मजा आ जाएगा। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बच्चे उसकी धुन में गुनगुना रहे थे। यासुकी चान के लिए यह पेड़ पे चढ़ने का पहला और आखिरी मौका था। कैंपिंग के दौरान अक्सर बच्चे रात को डर जाया करते थे। हेडमास्टर जी ने बच्चों के मन से डर निकालने के लिए एक नई तरकीब खोजी। क्या थी ये तरकीब, आइए सुनते हैं अगले एपिसोड में।